दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन में बैठक हुई। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बावरिया, अजय माकन और मणिकम टैगोर सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा की बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। हम लोग तो तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, हमारी तरफ से कल चुनाव हो जाए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जहां पे घमासान हो रहा है, जहां पर जिस जगह पे तैयारी नहीं है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी, वो किसी न किसी बहाने चुनाव आगे पोस्टपोन करना चाहती है, तो हम लोग तो तैयार हैं। हम लोग के तरफ से तो कल चुनाव हो जाए हम तैयार हैं, जीत करके, अच्छे से जीत करके। क्राइटेरिया विनिमिलिटी का है, जो जीत रहा है उसी को टिकट मिल रही है, और कोशिश है कि सब लोग साथ में मिलकर के, सब लोगों की रजामंदी, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और जो जीत रहे हैं उनको टिकट दी। हम इन तारीखों को जो है कोई तरीके से नहीं देखते, जो है इनकी नाकामयाबी के तौर पर। सर, एक कल जानकारी सामने आई मीटिंग में से कि ये कहा गया कि दो बार जो लोग चुनाव हारे हैं उनको टिकट नहीं, उन पर एक बार भरोसा जताएं और उनके परिवार के किसी सदस्य को दिया जाए, जिस पर आपने आपत्ति दर्ज की, क्या मसला है और आपकी क्या राय है? मेरी नज़र में ऐसी कोई चर्चा नहीं, मगर मेरा स्टैंड जरूर से क्लियर है कि जो लगातार चुनाव हारते हैं, दो बार हो, तीन बार हो, डिपोजिट गुआ चुके लोगों को, उन लोगों को जरूर से सिचुएशन परमिट्स उसको